आज मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब हम लोग भाषण देने जाते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं और तरह तरह की बातें सुनते हैं कि भाजपा को वोट दिया जाए कि कांग्रेस के गठबंधन को वोट दिया जाए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। कहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी, वो तो मशीन से एक तरफ से आलू डालते हैं दूसरे तरफ से सोना निकालते हैं। और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के आंसू पोंछते हैं, 5-5 किलो अनाज देने का काम करते हैं, शौचालय देने का काम करते हैं, आवास देने का काम करते हैं, स्वास्थ्य कार्ड देने का काम करते हैं और इस देश को विश्व के पैमाने पर अव्वल देश बनाने का काम करते हैं। ऐसे में वो चुनाव का महत्व है, वो सोचना है, कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता है। और उसके साथ ही हमारा जनता दल यूनाइटेड, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग भूले नहीं जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहले क्या होता था। मैं भी राष्ट्रीय जनता दल में था, मगर मुझे याद है यही सरैया के आगे लोगों का लाई अफर भी छीन लिया जाता था। इस बात का लोग याद रखते हैं, जिस दिन से मुख्यमंत्री आया है उस दिन से राइफल का नाम नहीं दिखता है गाड़ी में। आप लोगों को सर, आपको लोगों को आश्चर्य होगा, एक महीना के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सारे चीजों को बंद कराने का काम किया था, कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया था। आप लोग जो जो थोड़ा सा उम्र दराज होंगे उनको याद होगा कि उस समय परसा के दरोगे का अपहरण हो गया था और उसमें भी जी के बाद तक नहीं आया था। ऐसी परिस्थिति को क्या आप फिर से आने देंगे? ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इस देश, इस राज्य की जनता, परसा की जनता शिक्षित है, समझदार है। क्या आप लोगों को याद है किस तरह के सड़क थे हम लोगों के पास? गाड़ी नहीं चलता था। एक बार लालू जी आ रहे थे, बहुत बड़े पत्रकार के साथ आ रहे थे, उसको भी यहाँ पर हम उनको रिसीव करने के लिए परसा में थे, हमको भी गाड़ियों में बस में बैठा लिए और कहे कि चलिए साथ है। और जब दरियापुर पहुंचे तो लोग घेर लिया, यही लोग समझा कि बहुत स्वागत में है, कहा कि उतरिए, यहाँ से तो रोड जाइए तो दरियापुर ब्लॉक तक नहीं पहुँच सकते हैं। लालू जी कहे कि आप लोगों के पास मारुति है, कहता है लोग कि हम लोग का तो अंगूठा है, नाखून भी उखड़ जा रहा है पैदल चलते चलते, आप इसको जल्दी बनाइए। परिस्थिति ये थी कि विधायक को बहुत कम पैसा मिलता था, 2 लाख रुपया दे करके मैंने उसे चलने लायक बनाने का काम किया था। बिजली उस समय थी क्या? इस सब चीजों को जो नीतीश जी ने दिया है, महिलाओं का सशक्तिकरण करने का काम किया। पहले मैं कभी नहीं देखता था एक लड़की को भी साइकिल या मोटरसाइकिल पर चढ़ते हुए। आश्चर्य होता है जब यहाँ पर मैं एक बार गुजर रहा था तो एक लड़की वो बुलेट मोटरसाइकिल चला रही थी। इतना आगे बढ़ गया हम लोग का, ये देन मुख्यमंत्री जी का है। अब मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसको भूलने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आपको जीने का रास्ता दिखाया है, उन्होंने अमन चैन से सभी लोगों को जीने का रास्ता दिखाया है। और अति पिछड़े भाइयों को जो मान सम्मान और आगे बढ़ाने का काम किया है, कदापि उसको भूलने का जरूरत नहीं है, नहीं तो वैसी ही परिस्थिति आ जाएगी जो कि पहले थी। इसलिए भाइयों सतर्क होकर के इस चीज को करने की जरूरत है। आज बस मैं 2 ही मिनट में एक बात करना चाहता हूँ। कल या परसों शायद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय का उद्घाटन था। एक नेता बड़े बड़े चीख चीख करके कह रहे थे, ई काम किया वो काम किया। अरे शर्म आनी चाहिए। एक तरफ मोदी जी इतना लंबा लड़ाई लड़ करके राम मंदिर बनवाने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट कानूनन किया उन्होंने। और एक यहाँ का नेता है जो कि शिव जी का मंदिर का जमीन हड़पने का काम करता है। वैसे अधर्मी लोगों के नेतृत्व में जो चल रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए और भाजपा के साथ रूढ़ी जी को जिताने का काम करना चाहिए। रूढ़ी जी ने क्या किया नहीं किया मैं उसको नहीं जानना चाहता हूँ। मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि उससे पढ़ा लिखा और ईमानदार आदमी हमारे समाज से बहुत कम आपको MP मिलने का काम करेगा। उसे निसंकोच होकर के जो भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई होगी उसको क्षमा करते हुए आगे का रास्ता देखिए, अच्छा रास्ता देखिए और उनको जिताने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।